श्री साईं बाबा कोई साधारण संत या महात्मा नहीं थे, उनके अंदर दैवी शक्ति का संचार था। वक्त आने पर इसी दैवी शक्ति का उपयोग वे अपने भक्तों को संकटों से बचाने के लिए किया करते थे। यहाँ तक कि इस दैवी शक्ति के जरिए उन्होंने प्रकृति को भी अपने वश में कर लिया था। एक बार गांव के रहिवासियों को प्रकृति के प्रकोप से बचाने के लिए बाबा ने अपनी दैवी शक्ति का सफलता से प्रयोग किया। बारिश का मौसम था, अचानक हवाओं ने शैतानी रूप धारण कर लिया। चारों तरफ तूफानी हवा चलने लगी और आसमान में बिजलियां कड़कड़ाने लगी और धुआंधार बारिश शुरू हो गई। ऐसी शैतानी बारिश तो गांव वालों ने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी थी। गांव के छोटे छोटे रास्तों ने नदियों का रूप धारण कर लिया। बड़े बड़े वृक्ष और पेड़ हवा की जोर से धाराशाही हो गए। खेतों का तो नामो निशान नहीं दिख रहा था। चारों तरफ बस पानी ही पानी। सारा गांव आहिस्ता आहिस्ता पानी की लपेट में आ रहा था। गांव वालों को अपनी मौत सामने दिखाई देने लगी। उनके बचने के सारे रास्ते बंद हो चुके थे। बस एक ही उम्मीद थी, सरों बाबा। सारे गांव वाले जान हथेली पर लेकर मस्जिद की ओर दौड़ पड़े। अपने दर पे आए भक्तों की पुकार सुन के बाबा बाहर आए। बाबा, हम आपकी शरण में आए हैं, हमारी रक्षा करना। ये जानने वाला तूफान हमारा विनाश कर देगा, हमें बचा लो बाबा। उनके हाथों में हमेशा रहने वाला सटका यानी एक छोटा सा डंडा था। बरामदे में खड़े होकर बाबा ने सटके को आसमां की ओर उठाया और ऊंचे स्वर में आदेश दिया, ठहर जाओ, ठहर जाओ। बस सिर्फ एक आदेश, प्रकृति का भयानक तांडव एक झटके में रुक गया। हवाएं दबे पांव बहने लगी। बारिश तो कब की लुप्त हो चुकी थी। घमंडी तूफान चारों खाने चित होकर भाग गया था। बाबा के इस असामान्य शक्ति को देखकर गांव वाले भावना विवश होकर बाबा के चरणों पर गिर पड़े। प्रकृति को वश करना मतलब साक्षात ईश्वर को वश करना। यह घटना इसी बात को दोहराती है कि कभी कभी साक्षात ईश्वर को भी संतों के आदेश का पालन करना पड़ता है।